आप महान हैं, आप अद्भुत युक्ति करने वाले और सामर्थ्य के बड़े बड़े काम करने वाले प्रभु हैं। आपकी महिमा परंपार, आपकी सामर्थ्य महान है। अद्वैत और अद्भुत काम करने के वाले परमेश्वर केवल आप ही हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन इस बात को प्रमाणित करता है कि आप आरंभ से, जब से आपने मनुष्य की उत्पत्ति की है तब से लेके आज तक, आप मनुष्य को बहुत प्यार करते हैं और उसकी दशा, जिस दशा में मनुष्य जाति आज फंस गई, उस दशा से उसे छुड़ाना चाहते हैं। आपकी इच्छा भी प्रकट है और आपकी योजना भी आपके वचन में प्रकट है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हर मनुष्य इस बात को जाने, सत्य को जाने, ताकि सत्य के द्वारा वो स्वतंत्र हो और छुटकारा पाकर अपने परमेश्वर के द्वारा उस महिमा का कारण बने जो परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवनों में प्रकट होती है, और हमारा जीवन परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा छुटकारा पाकर उसकी महिमा को प्रकट करने वाला जीवन हो सके। चाहते प्रभु आपकी दया जो अपरंपार है हर उस जीवन में प्रकट होने के लिए हमेशा तैयार है। आप हर उस व्यक्ति पर दया करने के लिए तैयार हैं जो आपके वचन को सुनना चाहता है और सत्य को जानना चाहता है, क्योंकि सत्य के बिना हमारे हृदय में छुटकारा नहीं हो सकता और सत्य के बिना हमारा हृदय कभी शुद्ध नहीं हो सकता, और आपका वचन हमें सत्य बताता है। लेकिन बिना सत्य की आत्मा के वो सत्य हमारे जीवन में कभी भी नहीं स्थापित होता है जो आप हमें बताना चाहते हैं, जो आपके वचन में लिखित है। बिना पवित्र आत्मा के वो हमारे जीवन में प्रकाशित नहीं हो सकता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपकी योजनाओं के लिए जो आपने हम मनुष्यों के लिए बनाई है, ताकि जो कोई आपके प्रति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे, अवश्य है कि वो उद्धार पाए और परमेश्वर की महिमा का कारण बने, ताकि परमेश्वर का नाम महिमा दे। धन्यवाद करते इस प्रार्थना को आपके द्वारा पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, उसकी बड़ाई हो, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन को लोग जिसमें आज उलझ चुके हैं उसका कारण है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट क्यों नहीं होता उसका कारण है। परमेश्वर की योजनाएं लोगों को स्पष्ट क्यों नहीं होती उसका कारण है। परमेश्वर की सामर्थ्य लोगों के जीवन में प्रकट क्यों नहीं होती उसका कारण है। और सब बातों का एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि आज का मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ नहीं सुनना चाहता, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ हमारे शरीर में, हमारे मन की आवाज़, हमारे दिमाग की आवाज़ से कहीं अलग होती है। आत्मा की इच्छा और शरीर की इच्छा एक दूसरे के विपरीत होती है, और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। और अगर हम इस नियम को अपने जीवन में लगा लें कि हमारा शरीर जो है वो शरीर जो है हमेशा शारीरिक लालसा करता है और शारीरिक लालसाओं में फंसा रहता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की हमारा मनुष्य का आत्मा परमेश्वर की आत्मा की वाणी सुनने के लिए ललायित रहता है और उसी की लालसा करता है। और यदि हम अपनी आत्मा के लिए परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ हमारी आत्मा के अंदर पहुँचे तो ये अवश्य है कि हमारी आत्मा जीवन पाती है और बहुतायत का जीवन पाती है, और आत्मा से प्राण को जीवन मिलता है और प्राण के द्वारा हमारे शरीर को जीवन मिलता है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत केवल आत्मा है और परमेश्वर का आत्मा जीवन का आधार है। और जब वो हमारी आत्मा को जीवन देता है जिससे हमारे प्राण को जीवन मिलता है, और जब हमारे प्राणों को जीवन मिलता है तो हमारे शरीर में वो जीवन प्रकट होता है। शरीर जीवन को प्रकटीकरण करता है,
लेकिन असल में जीवन होता है मनुष्य के प्राण में, और मनुष्य के प्राणों को जीवन मिलता है मनुष्य की आत्मा से जो कि मृतक अवस्था में है। इसलिए पवित्र आत्मा के बिना ना तो मनुष्य की आत्मा जीवित हो सकती है और ना जीवित रह सकती है। आत्मा को आत्मा ही जीवन दे सकती है। इसलिए हम आज इस विषय को समझेंगे कि मनुष्य की आत्मा में जीवन जो आता है वो उसके शरीर में प्रकट होता है। आज हम देखेंगे एक नए विषय की ओर कि इज़राइल का अर्थ क्या होता है, क्योंकि हम जब बाइबल को पढ़ते हैं पुराने नियम से लेकर नए नियम तक ये शब्द आपको बार बार मिलेगा, इज़राइल, इज़राइल, इज़राइल। परमेश्वर ने किसको व्यवस्था दी थी? इज़राइल। परमेश्वर ने किससे वायदे किए थे? इज़राइल। परमेश्वर ने किसको छुटकारा देने का वादा किया? इज़राइल। भविष्यवाणियों में इज़राइल, और नए नियम में इज़राइल। जब इज़राइल वर्ड बार बार आ रहा है तो हमें हर उस शब्द को समझना चाहिए जो शब्द बाइबल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो उस किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और किसके किसका संदर्भ है उस शब्द में। इज़राइल का क्या अर्थ होता है, आज हम इसके अर्थ से शुरुआत करेंगे। पवित्र हृदय वाले लोग, इज़राइल का मतलब होता है पवित्र हृदय वाले लोग, यानी पाक दिल लोग, उनको इज़राइल कहते हैं। ये भजन संहिता की पुस्तक के 73 अध्याय में पहले पद में हम पढ़ेंगे, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। परमेश्वर सबके लिए भला नहीं है, केवल शुद्ध मन वालों के लिए भला है। इज़राइल का मतलब होता है शुद्ध मन वाले लोग। इज़राइल मीन्स शुद्ध मन वाले लोग। अब इंग्लिश एम्पलीफाइड में हम देखेंगे द बुक ऑफ साम चैप्टर 73 एंड वर्स 1, यहाँ पर इस प्रकार से है इंग्लिश में, ट्रूली गॉड इज ओनली गुड टू इज़राइल इवन टू दोज हु आर अपराइट एंड प्योर इन हार्ट। जिनके जिनका दिल शुद्ध है और जो एकदम परमेश्वर के साथ जिसका सही संबंध है, और प्योर का मतलब होता है बिल्कुल खालिस शुद्ध मन वाले, उनको इज़राइल बोला गया है। और अगर हम इस नज़रिए से परमेश्वर के वचन में जाकर देखें तो परमेश्वर का वचन खुद बताता है कि जो इज़राइली हैं वो ऐसे थे नहीं जैसा कि इज़राइल का अर्थ दिया हुआ है। इस अर्थ को पूरा करने के लिए ही परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा था, और वो आकर उसने जो कार्य किया उसके द्वारा ही हम पवित्र इज़राइल बन सकते हैं। पुराने नियम में जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते थे, जिनके पास परमेश्वर की लिखित व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें थी, उन्हीं को इज़राइल कहा जाता था। उन पर रात दिन वो लोग ध्यान किया करते थे, अर्थात इज़राइली लोग जिन्हें मूसा की व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि वो व्यवस्था हृदय का आईना के रूप में, हृदय के आईने के रूप में प्रयोग हो, अर्थात मनुष्य के हृदय के विचारों को प्रकट करे कि जैसा परमेश्वर के विचार हैं उससे मनुष्य के विचार कितना मेल खाते हैं, मेल खाते भी हैं कि नहीं। और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में चेतावनियां दी गई थी कि उन चेतावनियों के अनुसार अपने हृदय के विचारों को सही करें। यदि हम यहाँ कहें कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर का आत्मा उन लोगों की अगुवाई करता था कि वो लोग जिस प्रकार से व्यवस्था की बातों को गलत ढंग से मानकर परंपराओं को अधिक महत्व देते थे ना कि परमेश्वर की सच्चाई को, इसलिए परमेश्वर का आत्मा उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा जिन्हें परमेश्वर स्वयं चुनता था उनके द्वारा इज़राइली लोगों की को चेतावनी देता था, और ये चाहता था कि वे परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुनकर चलें ना कि परंपराओं के अनुसार चलें और करें। आज जब हमारे पास नया नियम है उसके अनुसार दो प्रकार के इज़राइली हैं, एक शारीरिक इज़राइली और दूसरा आत्मिक इज़राइली।
यानी फिजिकल इज़राइल और स्पिरिचुअल इज़राइल। अब दो प्रकार के इज़राइल हुए, जो पुराने नियम के इज़राइल थे वो फिजिकल इज़राइल थे, अब जो नए नियम में इज़राइल हैं वो स्पिरिचुअल इज़राइल है। अगर हम फिर से जाकर भजन संहिता 73 अध्याय में जाके देखें तो इज़राइल का मतलब होता है पवित्र हृदय वाले लोग, पाक दिल लोग, प्योर हार्टेड लोग, और परमेश्वर की आत्मा के बिना और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बिना कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त कर सकता था, और बिना पवित्र आत्मा के कोई पाक दिल नहीं बन सकता था। इसलिए वो इज़राइली जो पुराने नियम में पाए जाते हैं, ये वो इज़राइली हैं जो शारीरिक वंशज हैं, लेकिन उनके विषय में नया नियम साफ बताता है कि उनको प्रभु नहीं मिला, उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। पर जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब यहाँ पर इज़राइल का वो जो शारीरिक इज़राइल थे उनका काम अब नहीं है, अब इज़राइल वही हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध किए गए लोग हैं। और ये बात स्पिरिचुअल इज़राइल कलीसिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कलीसिया जो सच्चे लोग हैं, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाले लोग हैं और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जीवन जीने वाले लोग हैं, वे हैं स्पिरिचुअल इज़राइल, आत्मिक इज़राइल। अब इस विषय को अगर हम समझना चाहें तो हम रोमियो की पत्री में चलेंगे, रोमियो की पत्री के 2 अध्याय में चलेंगे, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 28। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उस 2 अध्याय के 28 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है और ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। यहाँ पे पौलुस इस बात को पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा इस बात को स्पष्ट बताना चाह रहा है कि आज अगर कोई अन्य जाति का व्यक्ति है और वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जीवन जीता है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, तो वो खतने वाला भी है, वो यहूदी भी है, और वो उसका हृदय का खतना हुआ यानी आत्मिक खतने की बात की जा रही है, और वही सच्चा इज़राइली है। ऐसों की प्रशंसा, सच्चे इज़राइली की प्रशंसा परमेश्वर की ओर से ही होती है, मनुष्यों की ओर से नहीं होती है। तो ये बात तो स्पष्ट जान लीजिए कि जब प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा, हमारे मन का खतना करेगा, उसके बाद शायद हमारे लोग जो शारीरिक वंशज हैं, हमारे शारीरिक तरीके से जिस कम्युनिटी को हम बिलोंग करते हैं वो लोग शायद हमको एक्सेप्ट ना करें, लेकिन परमेश्वर ऐसों की ही प्रशंसा करता है, क्योंकि ये काम जो हमारे जीवन में हृदय के खतने का होता है ये परमेश्वर के द्वारा होता है, इसलिए परमेश्वर ही ऐसों की प्रशंसा करेगा। इसलिए आप परमेश्वर से तो आशा रखें, लेकिन मनुष्यों से कभी भी आशा न रखें कि हर मनुष्य आपसे प्रेम करे या हर मनुष्य आपके साथ प्रेम से व्यवहार करे, ये संभव नहीं है। मनुष्य आपसे स्वार्थ का संबंध रखता है, ना कि वो आपके साथ प्रेम का संबंध रखता है। प्रेम के संबंध में और स्वार्थ के संबंध में अंतर है, उसी को परमेश्वर हमें दिखाता भी है, सिखाता भी है। इसी बात को हम रोमियो की पत्री उसके चैप्टर 2 वर्स 28 इन इंग्लिश, हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में इसको देखेंगे, फॉर ही इज नॉट अ रियल ज्यू हु इज ओनली वन आउटवर्डली एंड पब्लिकली, नॉर इज ट्रू सर्कमसीजन समथिंग
external and physical, but he is a Jew who is one inwardly, and true circumcision is of the heart, a spiritual and not a literal matter. His praise is not from men, but from God. मनुष्यों के द्वारा तो ऐसो की प्रशंसा कभी नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर ऐसो की प्रशंसा ही करेगा। इसी के साथ साथ हम रोमियो की पत्री के 3 अध्याय में आएंगे, इसी के आगे रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का पहले पद से देखेंगे, 3 अध्याय और उसका पहले पद से हम देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः यहूदी की क्या बढ़ाई या खतने का क्या लाभ। ये प्रश्न है, यहूदी की क्या बढ़ाई या खतने का क्या लाभ। हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो ये कि परमेश्वर का के वचन उनको सौंपे गए, यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ, क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी। कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है। इसलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि परमेश्वर के वचन उन्हें सौंपे गए थे, जो फिजिकल इज़राइल हैं यानी शारीरिक तौर पर जो इज़राइली थे उन्हें परमेश्वर के वचन सौंपे गए थे, लेकिन उन्होंने उन वचनों को रखा, लेकिन जिसके संबंध में वचन बातें करते थे, यानी वचन में जिसके विषय में सब कुछ लिखा था मसीह के विषय में, उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। इसलिए रोमियो की पत्री उसके 9 अध्याय के 6 पद से हम देखेंगे, इसके आगे पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा और स्पष्ट कर रहा है, परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं वे सब इज़राइली नहीं, और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा, और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है बनी रहे। उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। ये परमेश्वर ने उन बच्चों के विषय में पैदा होने से पहले ये बात कही थी, क्योंकि परमेश्वर कर्मों पे नहीं बल्कि परमेश्वर की बुलाहट में हमारे जीवन का भेद छिपा है, हमारे कर्मों में नहीं छिपा है। रोमियो की पत्री के 10 अध्याय का पहले पद से 4 पद देखेंगे, रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसके पहले पद से 4 पद तक यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया जा रहा है, हे भाइयों मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। किनके लिए? फिजिकल इज़राइल के लिए बात कर रहा है, उन यहूदियों के लिए जो शारीरिक वंशज हैं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। यानी यीशु मसीह का हमारे जीवन में आ जाना या हमारा अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर देना, सब प्रकार के फिजिकल एफर्ट्स को जो हम परमेश्वर के से संबंधित कार्य करते हैं, आत्मिक रूप में हम जो बोलते हैं कि आत्मिक कार्य है, आत्मा में कोई कार्य नहीं है, आत्मा में केवल हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, वही आत्मिक है। इसलिए यहाँ पर विनती कर रहा है उन यहूदियों के लिए जिन्हें हम फिजिकल इज़राइल कहते हैं। दूसरा पत्रस 2 अध्याय, परमेश्वर ये फिजिकल इज़राइल को
जब डांटना होता था या चेतावनी देनी होती थी तो भविष्य वक्ताओं के द्वारा इनको वार्न करता था, इनको करेक्ट करने का काम करता था। इसलिए भविष्यवाणी की जो पुस्तकें हैं और उसमें जो भविष्यवाणियाँ हैं वो करेक्शन के लिए हैं, उसमें परमेश्वर की डांट है, मार्गदर्शन है और वो मार्गदर्शन से भरी हुई बातें हैं। और उसमें परमेश्वर बार बार रिमाइंड करा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, बार बार उन्हें रिमाइंड करा रहा है। और उस व्यवस्था को जो मन का आईना थी उसे इन लोगों ने पहले तो वहीं गलत किया कि उसमें लिखी बजाय उसको फोकस करने के, उसको ध्यान देने के, ये उन चीज़ों को फिजिकल एक्ट्स में बदलने लगे और रिचुअल्स बना लिए। इसीलिए परमेश्वर भविष्य वक्ताओं के द्वारा उनको करेक्ट करने का काम करता था। लेकिन वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आई और हम देखेंगे दूसरा पत्रस 2 अध्याय का पहला पद, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, यानी पुराने नियम में फिजिकल इजरायली लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। तो उसी प्रकार स्पिरिचुअल इजराइल में भी वही प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर भी झूठे उपदेशक खड़े हो जाएंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप पर कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ये आज के समय में जो झूठे उपदेशक खड़े हुए हैं, ये पुराने नियम में फिजिकल इजराइल के समय में जो झूठे भविष्यवक्ता होते थे, इसीलिए आज झूठे उपदेशक भी हैं। जैसे वो लोग फिजिकली फंस गए थे, वैसे ही आज भी फिजिकली लोग फंस गए हैं। और किसने फंसाया? उनको झूठे भविष्यवक्ता भ्रमित करते थे, आज वही काम झूठे उपदेशक स्पिरिचुअल इजराइल को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। गलातियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 15 और 16 पद को देखेंगे। गलातियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 15 और 16 पद में पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी में इस प्रकार से लिखा, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। किस नियम पर चलेंगे? खतने के नियम पर नहीं, क्योंकि ना तो खतना कुछ है ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि सब कुछ है। इसको हम इंग्लिश एम्पलीफाइड में पढ़ेंगे तो और आपको स्पष्ट हो जाएगा। इंग्लिश एम्पलीफाइड वर्जन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, गलातियों की पत्री उसके 6 अध्याय का 15 और 16 पद, यहाँ पर लिखा है, फॉर नाइदर इज सर्कमसीजन नाउ ऑफ एनी इम्पोर्टेंस नॉर अनसर्कमसीजन बट ओनली अ न्यू क्रिएशन द रिजल्ट ऑफ अ न्यू बर्थ एंड अ न्यू नेचर इन क्राइस्ट जीसस द मसाया। पीस एंड मर्सी बी अपॉन ऑल हु वॉक बाय दिस रूल हु डिसिप्लिन देमसेल्व्स and regulate their lives by this principle, even upon the true Israel of God. Yani, जो परमेश्वर के सच्चे इसराइल हैं उन पर, और सच्चे इसराइल कौन है? जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करते हैं और परमेश्वर की परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं, ये हैं सच्चे इसराइली और आत्मिक इसराइल। इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय में चलेंगे ताकि हमें और स्पष्ट हो हमारे बारे में कि हम कौन हैं। अन्य जाति के लोगों को परमेश्वर के वचन में हम वो आत्मिक इसराइल हैं जिसे परमेश्वर उन फिजिकल इसराइल्स के सामने खड़ा करेगा। इसीलिए तो उसने कहा था कि तुम इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। यीशु मसीह कहा था कि यदि मेरे कारण कोई स्वर्ग के राज्य में आने के लिए अपना सब कुछ छोड़ेगा उसे इस ज़मीन पर 100 गुना मिलेगा और हमेशा की ज़िंदगी भी मिलेगी, और तुम मेरे साथ सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इसीलिए कहा था क्योंकि आत्मिक इज़राइल जो है वो न्याय करेगा। इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय के 11 पद से देखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं,
तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थीं मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। पवित्र आत्मा का कार्य देखिए, ये जिसके जीवन में ये कार्य हो रहा है वही परमेश्वर की संतान भी है, वही स्पिरिचुअल इज़राइल है। फिलिप्पियों की पत्री के 3:3 में हम देखेंगे, फिलिप्पियों की पत्री 3:3 में लिखा हुआ है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर यहाँ पौलुस कह रहा है, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यहाँ पौलुस अपनी उस जिस्मानी धार्मिकता के विषय में जो यहूदी लोग फॉलो करते थे फिजिकली, उस विषय में बात कर रहा है और अपने आप को वहाँ से भी बता रहा है कि मैं घमंड करना चाहूँ तो करूँ, लेकिन इन सब चीज़ों को जो फिजिकल यानी मनुष्यों की धार्मिकता थी उनको मैंने कूड़ा समझ लिया है, ताकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुरू होती है उसको प्राप्त करूँ और पवित्र आत्मा के द्वारा मैं जी उठने के पद तक पहुँच सकूँ। ये उसकी ओर से, ये उसके अपने शब्द से गवाही थी उसकी। कुलसियों की पत्री के 2 में पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कलीसिया को इसीलिए ऐसा लिखकर बता रहा है, 2:8 से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। ये मसीह का खतना,
स्पिरिचुअल जो खतना है, स्पिरिचुअल सर्कमसीजन यानी आत्मिक तौर पर जो खतना होता है, वो खतना मालूम कहाँ है? वो मसीह का खतना वही है, और मसीह का खतना ज़रूरी है, और इसके बिना हम परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते, और इसके बिना हम आत्मिक इज़राइल भी नहीं बन सकते हैं। इसके विषय में व्यवस्था में पहले से लिखा हुआ है। अगर हम आपको हम लोग व्यवस्था में चल के देखें, व्यवस्था में व्यवस्था विवरण की पुस्तक में चलें, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30 अध्याय का पहले पद से पढ़ेंगे, आशीष और पुनर्स्थापना की शर्तें, यानी परमेश्वर हमें आशीष आत्मिक, ये जितने भी अन्य जाति के लोग हैं ये सब आत्मिक इज़राइल बन सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा करना चाहता है। पहले भी वैसे ही कर चुका, फिर से वैसे ही करेगा। 30 अध्याय पहले पद से पढ़ेंगे, फिर जब आशीष और श्राप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई हैं तुझ पर घटे, और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुँचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर कर उसके पास लौट आए, और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बातें माने, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा, और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वो तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा, चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा, और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा, और वो तेरी भलाई करेगा, और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन सारे प्राण के साथ प्रेम करे जिससे तू जीवित रहे, और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब श्राप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और तेरे पशुओं के बच्चों और भूमि के उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हैं माना करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर फिराएगा का मतलब ये है कि ये आत्मिक इज़राइल के लिए परमेश्वर उन्हें कैसे फिर से स्थापित करेगा, पुनर्स्थापित करेगा, और उन्हें फिर से आशीषित करेगा, परमेश्वर करेगा। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, और उसने जितनी योजनाएं बनाई हैं वो आशीष देने के लिए बनाई है। और इस बात को अच्छी तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं तो एक एग्जांपल याद रखिएगा, अब्राहम जो पहले अन्य जाति था, परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुनने लगा और वही पहला यहूदी बना, और उसके बाद उसके दो वंशज हो गए, एक जो उससे उत्पन्न हुए वो सब यहूदी, और एक जो उसके पिछले वंशज थे वो सब अन्य जाति थे। और आज परमेश्वर अब्राहम के उन वंशजों को जो अन्य जाति थे, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को अपना लिया था, वैसे ही आज उनका भी मन का खतना करना मांग रहा है। परमेश्वर आज अपनी आत्मा के द्वारा उनके हृदय परिवर्तन करना मांग रहा है, हृदय का परिवर्तित होना और हृदय के साथ जीवन का और विचारों का और सब चीज़ का बदल जाना, यही हृदय का खतना है और यही हृदय परिवर्तन है और यही हमारे जीवन का परिवर्तित होना और उद्धार प्राप्त करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके पवित्र वचनों के लिए, और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है
जो हमें परमेश्वर के वचन की सच्चाई प्रकट करता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन के सत्य के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करें और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। इसलिए आइए अपने जीवन को उसके आगे समर्पित करें और ये कहें कि प्रभु आपकी योजना हमारे जीवन में लागू हो, और आप चाहते हैं अगर उसकी योजना आपके जीवन में लागू हो तो आपको परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। कैसे? शारीरिक तौर पर हम नहीं जुड़ सकते, हम आत्मिक तौर पर उसके साथ जुड़ सकते हैं, और जो लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं उनके साथ आप उनके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनिए, उनके साथ संबंध स्थापित कीजिए, ताकि आपका कांटेक्ट ऐसे लोगों से हो जहाँ से पवित्र आत्मा की आवाज़ आपको सुनने को मिलती रहे और आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ काम करने पाए और उसकी आत्मा के द्वारा आपका जीवन परिवर्तित हो और आपके जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो, ताकि परमेश्वर का नाम हम सबके द्वारा महिमान्वित हो। आइए अपने आप को समर्पित करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों ही चीज़ें ना होती तो हमको कभी सत्य नहीं प्राप्त होता। यदि किसी के पास परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा नहीं है तो भी समस्या है, और यदि किसी के पास पवित्र आत्मा है और परमेश्वर का वचन नहीं है तो भी बहुत मुश्किल है। दोनों का इक्वल होना, दोनों का साथ साथ होना उद्धार का जरिया बनता है, और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि दोनों के मिलने से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, उद्धार प्राप्त होता है, परमेश्वर की योजनाएं लागू होती हैं और परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, जिससे ये बात प्रमाणित होती है कि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला और सामर्थ्य बड़े काम करने वाला है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन में जितने भी वायदे पुराने नियम में लिखे हैं वो सब वायदे आत्मिक इज़राइल के जीवन में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पूरे किए जाते हैं, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रति पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करता है। प्रेज द लॉर्ड।